हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप्स एंड टूर्स। मेरा नाम है नेहा वत्स और आज मैं आपको लेकर आई हूँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उद्यान में, जो कि सिचुएटेड है गिरगांव चौपाटी के पास। यहाँ पर आने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चर्नी रोड, जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसे ग्लो गार्डन भी कहा जाता है और यहाँ पर आप फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बाकी लोगों के साथ भी घूमने फिरने, यार दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। और ये कुछ नया खुला है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। लेट्स गो। सो ये है इसकी एंट्री, लेट्स कम। गार्डन्स आर फेमस अक्रॉस द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज द लॉट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड फ्लावर्स। हाय फ्रेंड्स, सो आइए आपको मैं इस गार्डन की सैर कराती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हमारे सी क्रीचर्स हैं वो बनाए हुए हैं और वो ग्लो कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए ये पर्ल ऑयस्टर्स है, यू कैन सी स्टार फिशेस, यू कैन सी दीज पाम ट्रीज एंड दोज लिटिल बॉल्स देयर, सम मशरूम्स, सम ऑक्टोपसेस एंड देयर ऑल ग्लोइंग वेरी ब्राइट। इस गार्डन को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक तरफ है सारे सी क्रीचर्स के ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स और एक तरफ है सारे फॉरेस्ट के, जैसे कि एनिमल्स एंड स्क्विरल्स एंड रैबिट्स एंड फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, वो सारे ही ग्लो कर रहे हैं। जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस पर आते हैं, स्पेशली जब हम कोई ऐसी जगह आते हैं जो नेचर के करीब होती है, जैसे कि गार्डन या पार्क्स में, तो हमें ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे रूल्स जो उस जगह के होते हैं उन्हें फॉलो करें। जैसे कि हम ऑफकोर्स गंदगी नहीं फैला सकते, हम अपने पेट्स को यहाँ नहीं ला सकते, हमें फूल पौधे पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, उन्हें ब्लूम होते देखना चाहिए, राइट। और हम अपने बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं पर इन ऑब्जेक्ट्स को हाथ नहीं लगा सकते, दूर से ही हमें इन्हें देखना है और बस इस जगह को इंजॉय करना है। So next time, whenever you visit Girgaon Chowpatty, don't forget to visit this glowing garden, which is just at a walkable distance. Okay, और यहाँ पे आने की कोई टिकट नहीं लगती, it is free entry for all. की दौड़ती लाइफ में अगर आपको चंद सुकून के पल जीने हो तो इस गार्डन में आप आ जाइए, आपके घर से बहुत नजदीक होगा और आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति है यहाँ और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, मुझे तो काफी मजा आया, आपको भी जरूर आएगा, आइएगा जरूर।
वैसे तो इस गार्डन का नाम है बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक उद्यान, लेकिन इसको एक प्यारा सा निकनेम दिया हुआ है ग्लो गार्डन, क्योंकि इसको हाल ही में बनाया गया है, लाइक फरवरी के मंथ में 2024 में ही ये ग्लोइंग इफेक्ट दिया गया है। इस गार्डन में आने का टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और फिर वापस से शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक। आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं और आप इस जगह का मजा ले सकते हैं। इतना ही, दोबारा हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही किसी क्यूट सी जगह पर। तब तक के लिए मैं हूँ नेहा वत्स, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल ट्रिप्स एंड टूर्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।